नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। अक्सर देखा जाता है कि नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी करते हैं, कहाँ बैठना है, कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, इसकी भी टेंशन रहती है। स्थान तो पहले से तय हो ही जाता है, लेकिन अपने दबंग अंदाज के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब सुर्खियों में है। उन्होंने किसी होटल या ऑफिस में नहीं बल्कि डेंटल चेयर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वह दांत निकलवाने अंबाला के अस्पताल गए थे। यहां डॉक्टर अपना काम करते रहे और गृह मंत्री पत्रकारों के सवाल का जवाब देते रहे। हरियाणा के स्वास्थ्य वह गृह मंत्री अपना दांत निकलवाने अंबाला कैंट सिविल अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया को जैसे ही बीच के अस्पताल में पहुंचने की भनक लगी, सभी वहां पहुंच गए। अस्पताल जाकर देखा तो हरियाणा के गब्बर कहे जाते विज गले में हरा एप्रिन पहनने अपने दांत निकलवाने के लिए डेंटल चेयर पर बैठे थे। पत्रकारों ने विज को डेंटल चेयर पर ही घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। उधर विज भी कम नहीं थे, दांत निकलवाने के ट्रीटमेंट के दौरान ही पत्रकारों को सभी सवालों का जवाब दिया। बता दें कि सितंबर 2021 एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां अनिल विज ने बिस्तर पर ही फाइलें निपटाई थी। इससे पहले भी अनिल विज को पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट किया गया था, उन्होंने वहां भी ज्यादातर काम निपटाए थे। जून 2020 में गृह मंत्री अनिल विज को टांग में फ्रैक्चर हुआ था। मोहाली के अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद गृह मंत्री को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने 2 महीने को आराम करने की हिदायत दी थी। ऐसे मौके पर भी गृह मंत्री ने बिस्तर पर आराम करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने मोबाइल से ही पूरे प्रदेश की कमान संभाली। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।